तो गर्मियों का सीजन आ चुका है जिसमें खट्टा खट्टा और तीखा तीखा अचार खाने का सभी का मन होता है। तो आज एक स्पेशल सा मसाला बताऊंगी जिससे आप बहुत ही इंस्टेंट सा अचार बना सकते हैं। इस मसाले को रेडी करके आप स्टोर करके रखिए, उसके बाद जितना मन चाहे आप उससे अचार बना के रेडी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है साबुत धनिया। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप धनिया, तो मैं काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में इसे बना के स्टोर कर रही हूँ। इस मसाले को आप 1 साल तक स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 कप के करीब सौंफ। तो यहाँ पर आपको मोटी वाली सौंफ का इस्तेमाल करना है। दो टाइप की सौंफ आती है, एक आती है महीन वाली और दूसरी आती है इस टाइप की जो कि है थोड़ी सी मोटी। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। इस तरह की सौंफ आपको ले लेना है। तो जितनी क्वांटिटी में आपने धनिया ली है उसकी 1/2 क्वांटिटी में यहाँ पर हम ले लेंगे सौंफ। सौंफ से ये मसाला बहुत अच्छी खुशबू देता है। इसके साथ ही यहाँ पर इक्वली क्वांटिटी में हमें जीरा ले लेना है। ये सफ़ेद जीरा है जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं, तो ये जीरा भी हमें उतनी ही क्वांटिटी में ले लेना है जितनी क्वांटिटी में हमने सौंफ लिया था। तो ये सब हम एक पैन में रख रहे हैं क्योंकि हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके साथ देखिए यहाँ पर लिया है मैंने मस्टर्ड सीड्स। तो ये जो सीड्स हैं ये थोड़े से खट्टे होते हैं। ये पीली सरसों बहुत ही ईजिली नहीं मिलती है, अगर आपको ना मिले तो आप इसकी जगह काली सरसों भी ले सकते हो। तो जितना हमने ज़ीरा लिया है उसकी 1/2 क्वांटिटी में आपको यहाँ पर सरसों ले लेनी है। इसके बाद यहाँ पर मैंने मेथी दाना ले लिया है। मेथी दाना हमें सरसों के 1/2 क्वांटिटी में लेना है। जिस तरह मैं आपको इसका मेजरमेंट बता रही हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इस मसाले को बनाने का। तो यहाँ पर देखिए मेथी दाना थोड़ा सा कड़वाता है ना, इसलिए हमें इसे कम क्वांटिटी में ही ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें ले लेनी है कलौंजी। तो कलौंजी यहाँ पर मैं ले रही हूँ, जितना हमने मेथी दाना लिया था ना उसकी 1/2 क्वांटिटी में हम कलौंजी ले रहे हैं, क्योंकि हम बाद में भी कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे इसलिए हम बहुत ही कम ले रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखी मिर्च। ये लाल सूखी मिर्च है जो कि तीखी होती है, इसलिए मैंने 3 से 4 ही ली है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मिर्च ऐड कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर हम ले रहे हैं अजवाइन। तो अजवाइन यहाँ पर हमें 1 खाने वाला चम्मच ले लेना है, यानी कि 5 ग्राम के करीब हमें इसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन डालना ऑप्शनल है, अगर डालते हैं तो अचार डाइजेशन में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इसे इंक्लूड करें। उसके बाद देखिए यहाँ पर पैन को हमने हीट करने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसका जितना भी मॉइस्चर है वो निकल नहीं जाता और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने नहीं लगती है। गैस ये मसाला बहुत टेस्टी बनता है, आप चाहें तो इससे कोई सब्जी भी बना सकते हो। तो इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इससे पनीर की सब्ज़ी या फिर आलू की सब्ज़ी सूखी वाली बनाएं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले का। तो धीमी धीमी आंच में हम इसे भूनेंगे। ये जो मसाला है मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में लिया है, इसलिए ये मेरा साल भर आराम से चल जाएगा और इससे बहुत टेस्टी सा अचार बनता है। तो देखिए यहाँ पर मसाला हमारा भुन चुका है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है और इसे एकदम ठंडा करना है। आपको इसे प्रॉपर तरीके से ठंडा कर लेना है या फिर आप इसे पंखे के नीचे रख के भी ठंडा कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम मिक्सी का जार लेंगे और जार में हम आधा आधा करके मसाला ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 बार आप चलाएं, क्योंकि हमने इसे अच्छे से रोस्ट किया था ना, तो ये 1 से 2 बार चलाने में ही अच्छा खासा पाउडर बन जाता है। इसे हमें हल्का सा दरदरा ही रखना होगा। उसके बाद देखिए हम जो बचा हुआ मसाला है वो भी ले लेंगे जार में और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जब आप मसाले को ठंडा कर लेते हो ना तो ये बहुत ही फास्ट पिस जाता है। तो देखिए सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे आप हल्का सा दरदरा ही रखें, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, क्योंकि अचार में जब थोड़ा सा दरदरा मसाला होता है ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मार्केट से जैसे हम अचार लेकर आते हैं उसमें जो मसाला मिलता है ना काफ़ी दरदरा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है मसाले को, जब हम इसका अचार बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा कलर देता है। उसके साथ ही डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर और उसके साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। तो 1/2 टीस्पून के करीब काला नमक भी ले रही हूँ और डालेंगे यहाँ पर हींग। हींग तो आप सभी जानते हैं कि अचार में अगर आप डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसके। इसके साथ ही थोड़ा सा डाल रही हूँ काले मिर्च का पाउडर, ये डाल रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके साथ ही सादा नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
काली मिर्च अगर आप इसमें थोड़ी सी डालते हैं ना, तो उससे इसका जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्वाद देती है इस मसाले में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मसाले को रेडी करके रख सकते हो तो आप इससे किसी भी तरह का इंस्टेंट अचार बना सकते हो। पूरे साल के लिए आप इतनी क्वांटिटी में इसे स्टोर करें और जब भी मन हो अचार बनाने का तो इसी तरह से निकाल के आप जितना भी आपको पसंद हो मसाला आप डाल सकते हो और टेस्टी सा अचार बना के रेडी कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर इस मसाले को हमने अच्छे से मिक्स किया है और हमारा जो मसाला है बन के रेडी है। तो गाइज, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें।